हाय ऑल, आज की वीडियो में हम जानेंगे किस तरीके से हम अपने होठों को देखकर ये पहचान सकते हैं कि हमारे बॉडी में किस चीज़ की कमी है या फिर क्या प्रॉब्लम चल रहा है। तो हमारे सभी ऑर्गेन्स, जो बाहरी ऑर्गेन्स हैं जैसे आँखें हैं, कान हैं, होठ हैं, ये हमें बॉडी के अंदर की कंडीशन के बारे में बताते हैं। तो आज हम होठ के बारे में देखने वाले हैं। फर्स्ट है, अगर हमारा होठ जो है वो पेल कलर में बदल रहा है, येलोइश कलर का हो रहा है, तो इसका मतलब है हमारे बॉडी में ब्लड डिफिशियंसी है या फिर ची डिफिशियंसी है। ची मतलब लाइफ फोर्स जो रिक्वायर्ड होती है जीने के लिए, वो कम होती जा रही है। नेक्स्ट है रेड लिप्स। अगर हमारे होंठों का कलर नेचुरली रेड हो रहा है तो इसका मतलब हीट है हमारे बॉडी में, हीट के लिए रेड ही आएगा, चाहे वो फेस पे आए या टंग पे आए। नेक्स्ट है, अगर डीप रेड में कन्वर्ट हो रहा है हमारा होंठ तो इसका मतलब है कि टॉक्सिन हीट हमारे बॉडी में बढ़ चुका है। अगर पर्पल लिप्स में कन्वर्ट हो रहा है इस तरीके का बैंगनी कलर में, तो वो ब्लड स्टेग्नेशन को दर्शाता है, मतलब खून रुक रहा है, सिर्फ होठों में नहीं बॉडी के अदर पार्ट्स में भी। तो ये नेल्स में भी नज़र आएंगे, होठों पे भी नज़र आएंगे और टंग्स पे भी नज़र आएंगे। नेक्स्ट है ब्लैक लिप्स। ब्लैक लिप जनरली होता है एक्सट्रीम कंडीशंस में, जहाँ पे एक्सट्रीम स्टेग्नेशन हो रहा हो या फिर बहुत ज़्यादा हीट हो बॉडी में। नेक्स्ट स्वेलन लिप्स। स्वेलन मतलब क्या होता है, फूल जाना। लिप्स अगर फूल गया तो इसका मतलब हीट इतना बढ़ चुका है कि वो अंदर ची को मूव करने नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से जो एनर्जी है वो एक जगह इकट्ठी हो जा रही है, ब्लड एक जगह इकट्ठा हो जा रहा है, और इसे बोलते हैं टॉक्सिक हीट। नेक्स्ट है इस तरीके की फटे फटी लिप्स। अगर हमारे होठ इस तरीके से फट रहे हैं तो इसका मतलब है ड्राइनेस, पील्ड लिप्स इसे बोलते हैं या फिर चैप्ड ड्राई लिप्स बोलते हैं। तो ये ड्राइनेस की वजह से होता है, तो यहाँ हम ड्राइनेस का पॉइंट लगाएंगे और इससे हमारे ये पील्ड लिप्स ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट है ड्रॉपिंग माउथ। ड्रॉपिंग माउथ को आप ध्यान से देखो, फेस इस तरीके से, माउथ जो होता है वो नीचे की तरफ झुका हुआ होता है। तो ये इस केस में पर्सन के बॉडी में डिफिशियंसी है, चाहे वो डिफिशियंसी स्टमक की हो या स्प्लीन की हो, तो हम स्टमक और स्प्लीन को टोन करेंगे। नेक्स्ट है इस तरीके से जॉ का लॉक हो जाना। अगर हमारे नीचे के जबड़े लॉक हो गए हैं और अगर बोलने में बहुत दिक्कत आ रही है, तो इसका मतलब बॉडी में विंड का अटैक हुआ है। विंड अटैक का मतलब क्या होता है कि हमारे बॉडी में वुड एलिमेंट बढ़ चुका है, तब हम क्या करेंगे, उसे सिडेट कर देंगे। एंड द लास्ट वन इज़, अगर कोई पर्सन इस तरीके से मुंह खोल खोल करके रात को सो रहा है और इस तरीके से सांसें ले रहा है, तो इसका मतलब है उसके बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट है।